यूं तो पूरी दुनिया में हाइड्रोजन कारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि कोई हाइड्रोजन कार फटने पर हाइड्रोजन बम का धमाका करे? क्या कहीं हम हाइड्रोजन कार की जगह चलता फिरता हाइड्रोजन बम तो नहीं खरीदने जा रहे? चलिए समझते हैं इसे डिस्कवर फैक्ट की नई वीडियो में। एक बैटरी कार और एक हाइड्रोजन कार में अंतर सिर्फ इसके फ्यूल सोर्स का है, यानी एक बैटरी से चलने वाली कार भी बिजली से चलती है और एक हाइड्रोजन से चलने वाली कार भी बिजली से चलती है। बस अंतर इतना है कि बैटरी कार में बिजली को स्टोर किया जाता है, जबकि एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल में बिजली को स्टोर नहीं बल्कि इसमें बिजली का निर्माण किया जाता है, जिससे कि एक कार की मोटर चलती है। लेकिन आखिर जब हाइड्रोजन गैस इतनी ज्वलनशील गैस है, तो क्या लीकेज और एक्सीडेंट में कोई कार हाइड्रोजन बम की तरह फट जाएगी या फिर कुछ और? चलिए समझते हैं कि सुरक्षा के लिहाज से हाइड्रोजन कार कितनी सुरक्षित है। हाइड्रोजन गैस, जो कि गैसों में सबसे हल्की होने के साथ साथ रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन गैस है, बावजूद इसके कि एक बेहद ज्वलनशील गैस है, फिर भी ये पेट्रोल, डीजल, LPG, CNG और बैटरी से कम खतरनाक है। जैसे कि इस टेस्ट वीडियो में देखा जा सकता है कि लेफ्ट साइड पे एक हाइड्रोजन कार और राइट साइड पे गैसोलीन कार यानी पेट्रोल कार खड़ी है, और जिसके ईंधन टैंक में लीकेज करके इग्नाइट किया गया है। इसमें साफ देखा जा सकता है कि हाइड्रोजन गैस बेहद हल्की होने के कारण कार को बिना कुछ नुकसान पहुंचाए मात्र 2 मिनट के अंदर फ्यूल टैंक से खाली होकर डिफ्यूज हो गई। इसकी सीधी वजह यही है कि हाइड्रोजन बेहद हल्की गैस होने के कारण लीकेज होने पर आसपास जमा नहीं होती है, बल्कि बेहद जल्दी हवा में घुल जाती है और आग लगने पर यह गैस कुछ ही सेकंड्स के अंदर जलकर खत्म हो जाती है। इसलिए ये पेट्रोल, डीजल, LPG, CNG और बैटरी से कम खतरनाक है। और अगर क्या हो कि किसी हाइड्रोजन कार का टैंक एक्सीडेंट में फट जाए, क्या ऐसे में कोई परमाणु बम का धमाका होगा या फिर कुछ और? चलिए इसको भी समझ लेते हैं। दरअसल हाइड्रोजन कार निर्माता कंपनी हाइड्रोजन फ्यूल टैंक को एक्सट्रीम लेवल तक चेक कर चुके हैं, और आज जितने भी हाइड्रोजन फ्यूल टैंक बनाए जा रहे हैं वे सब कार्बन फाइबर से बनाए जा रहे हैं, जो कि कार का सबसे मजबूत भाग है। टोयोटा ने तो अपने फ्यूल टैंक को बुलेट फायर करके भी देख लिया है, लेकिन फिर भी फ्यूल टैंक फटा नहीं, यानी एक्सीडेंट होने पर ये टैंक बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं, फिर चाहे कार के परखच्चे ही क्यों ना उड़ जाए। लेकिन बहुत सी कार कंपनीज तो फ्यूल टैंक की टेस्टिंग में चरम पे जा पहुंची हैं। यहाँ आप देख सकते हो कि इस कार्बन फाइबर से बने फ्यूल टैंक को RPG से हिट करके देखा गया है कि क्या फ्यूल टैंक फटता है या नहीं। लेकिन LPG, CNG और अन्य सिलेंडरों के मुताबिक ये सिलेंडर खुल गया, लेकिन फट के टुकड़े टुकड़े नहीं हुआ, जैसे कि अन्य सिलेंडर कार हो जाती हैं। यानी हर लिहाज से पेट्रोल फ्यूल टैंक आज की किसी भी फ्यूल टैंक से बेहद सुरक्षित है। लेकिन आखिर एक सवाल खड़ा हो जाता है कि इन फ्यूल टैंक को इतना सुरक्षित क्यों बनाया जा रहा है? कहीं इसके पीछे हाइड्रोजन बम फटने जैसी कोई आशंका तो नहीं है? चलिए इसको भी समझ लेते हैं। दरअसल हाइड्रोजन गैस दुनिया की सबसे हल्की गैस है, और अन्य कंप्रेस गैसों के मुकाबले हाइड्रोजन गैस को कंप्रेस करके स्टोर करना बिल्कुल अलग और कठिन है। यूं तो हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी इसके वजन के हिसाब से पेट्रोल या डीजल से 2 गुनी है, और इसमें किसी 1 किलो लिथियम बैटरी से 236 गुना ज्यादा एनर्जी भी होती है। लेकिन इसकी स्टोरेज डेंसिटी वॉल्यूम बहुत अधिक है, जो एक बड़ी समस्या का कारण बना हुआ है। इसको आप कुछ यूं समझ सकते हो कि मान लो आपके पास 1 किलो लोहा और 1 किलो रुई हो, तो वजन में कौन सी चीज ज्यादा भारी होगी? यकीनन दोनों का वजन बराबर ही होगा, लेकिन क्योंकि रुई हल्की होने के कारण अधिक जगह घेरती है, तो इसको स्टोर करने के लिए बहुत अधिक जगह की आवश्यकता पड़ती है। और अगर इसको लोहे जितनी जगह पे कंप्रेस करने की कोशिश की जाए तो ये बेहद कठिन होगा। ठीक ऐसा ही हाइड्रोजन गैस के साथ है। औसतन वजन में 1 किलोग्राम पेट्रोल के मुकाबले हाइड्रोजन गैस का वजन केवल 90 मिलीग्राम से 2 ग्राम ही होता है, लेकिन ये 90 मिलीग्राम हाइड्रोजन गैस वजन में 1 किलोग्राम पेट्रोल से 2 गुना ज्यादा एनर्जी भी पैदा करती है। क्या आपको पता है कि CNG गैस को 200 और हाइड्रोजन गैस को वायुमंडलीय दबाव से 700 गुना ज्यादा दबाव पर कंप्रेस किया जाता है? यही वजह है कि इस गैस को स्टोर करने के लिए बेहद मजबूत गैस सिलेंडरों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन फिर भी हाइड्रोजन बम भी तो एक हाइड्रोजन गैस से बना होता है, तो क्या फिर एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार एक मिनी हाइड्रोजन बम है? दरअसल हाइड्रोजन गैस में 3 आइसोटोप होते हैं, जो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम से बना होता है। एक हाइड्रोजन बम को बनाने में हाइड्रोजन के ड्यूटेरियम और ट्रिटियम आइसोटोप को रखा जाता है, लेकिन किसी हाइड्रोजन बम में विस्फोट के लिए ड्यूटेरियम और ट्रिटियम को मिलने यानी न्यूक्लियर फ्यूजन होने के लिए बेहद उच्च तापमान की आवश्यकता पड़ती है, जिसको कि कृत्रिम रूप से बना पाना असंभव है। ऐसे में नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर फिशन करा के न्यूक्लियर फ्यूजन कराया जाता है, जो कि हीलियम और असीमित ऊर्जा उत्पन्न करता है, जिसको हम हाइड्रोजन बम के नाम से जानते हैं। लेकिन इस न्यूक्लियर फ्यूजन में पानी नहीं बल्कि खतरनाक रेडिएशन और करोड़ों डिग्री तापमान की हीट जनरेट होती है,
और शायद आपको पता ना हो पर आज पूरी दुनिया में 10,000 से ज्यादा हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स चल रहे हैं और 2030 तक पूरी दुनिया में यह आंकड़ा बढ़कर 1 मिलियन तक पहुंच जाएगा। ऐसे में ये कह देना कि हाइड्रोजन कार एक चलते फिरता हाइड्रोजन बम है केवल एक भ्रम और मिथक है, और इसमें कोई भी शक नहीं है कि भविष्य हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों का है, ना कि बैटरी कारों का।